तो अभी रिसेंटली आपका गाना रिलीज हुआ है तेरे इश्क में, इमरान हाशमी जी के साथ, और फैंस ने जी उन गाने को बहुत पसंद किया है, तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। और बाकी बात सारी बातें हम बाद में करते हैं, उससे पहले आप बताइए कि शहर को क्या पसंद है, इश्क करना, बातें करना, या इश्क की बातें करनी? मुझे अ बिट ऑफ ऑल थ्री आई थिंक, इश्क भी, बातें भी, इश्क की बातें भी। तो इमरान हाशमी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत सही रहा, बहुत रहा। हमने दुबई में शूट किया और मुझे याद है फर्स्ट डे हमारा फर्स्ट जो शॉट था दैट वाज इन द कार, जब मुझे क्लिनिक में ड्रॉप करते हैं, दैट वाज द फर्स्ट एवर शॉट एंड मैं उनको तभी पहली बार ही मिली। एंड ही इज वेरी नाइस, बहुत ही काम है, बहुत ही स्वीट है एंड बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। जब आपको पता चला कि आपको इमरान हाशमी के साथ मतलब एक गाना करना है, तब आपका पहला रिएक्शन क्या था? मुझे जब कॉल आया तो मुझे बताया गया कि इमरान जी है और दीपराग जी ने गाना गाया है, तो ये मुझे कॉम्बिनेशन ही बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड आई डिडंट इवन थिंक अबाउट इट ट्वाइस एंड देयर वर नो टू वेज अबाउट इट। एंड आई वाज लाइक या मैं कर रही हूँ एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड। एंड जब मुझे स्टोरी पता चला एंड हाउ दे वुड बी शूटिंग इट, तो वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एंड या देन विद इन आई थिंक द नेक्स्ट 2 डेज हम दुबई भी चले गए, शूट भी हो गया, सो बहुत जल्दी जल्दी हुआ सब कुछ। और बीपाक का गाना आपका कौन सा फेवरेट मेरा पर्सनली फेवरेट मन भरिया इज माय मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट है? रिपीटेडली जिसको मैं सुनती हूँ वो गाना है। और आप एक क्लासिकल डांसर भी है, कथक डांसर, और आपको कौन से फॉर्म पसंद है डांस के? मेरा एक्चुअली फॉर्मली ट्रेनिंग तो नहीं हुआ किसी भी चीज में, बट क्योंकि बचपन से कथक सेमी क्लासिकल में ही बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज स्कूल में वही करते थे। बट बिसाइड्स दैट आई एंजॉय बॉलीवुड, आई एंजॉय कंटेम्प्रेरी। बाकी मैंने इतने जॉनर्स एक्सप्लोर नहीं किए हैं, डांस स्टाइल्स एक्सप्लोर नहीं किए हैं जी, बट इन इन शॉर्ट आई जस्ट लव एंजॉय डांसिंग। मतलब आपको पहली फिल्म मिली पल पल दिल के पास, उसके बाद बेकरार किया, फिर आपने शबाना आजमी के साथ एम्पायर में काम किया, इस आपकी जर्नी कैसी रही? बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, बहुत ही मेहनत है सबके पीछे एंड आई फील मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड और फॉर्चुनेट भी कंसिडर करती हूँ, क्योंकि मेरा जो पहला ब्रेक था वो 400-500 लड़कियों ने ऑडिशन किया था उस पार्ट के लिए और वो मुझे मिला। एंड उसके बाद से भी फिल्म नहीं भी चली लेकिन रिव्यूज इतने अच्छे थे परफॉर्मेंस को लेके, जिसकी वजह से मीटिंग्स मिली मुझे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स से, जिसकी वजह से मैंने बैक टू बैक 2 OTT शोज भी किए। तो मेरी अब तक की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, अच्छी रही है और मैं चाहूंगी कि आगे भी अच्छी ही रहे। शहर को कौन सा शहर पसंद है, शिमला या मुंबई? मुझे बॉम्बे, मुंबई शहर भी मेरे लिए मेरा घर ही है अब, मुझे घर जैसा ही फील होता है, लेकिन जो शिमला वाला घर है उसकी बात ही कुछ और है, क्योंकि वहीं पे मैं पली बड़ी हूँ तो उधर मुझे नींद ही कुछ बहुत ही अच्छी आती है, डिफरेंट आती है, वहां पे मैं मेंटली रिलैक्स्ड होती हूँ। तो मुझे दोनों ही जगहें बहुत पसंद है, उधर भी मैं ज्यादा दिन नहीं रह सकती, इधर भी मैं ज्यादा दिन नहीं रह सकती, तो इधर से जब बहुत हो जाता है तो मैं वापस शिमला चली जाती हूँ, जब शिमला में बहुत रिलैक्सेशन हो जाती है तो मैं वापस आना चाहती हूँ। जब आप मुंबई में आए तब हॉस्टल में रहते थे, एक रूम में 8 लड़कियों के साथ, तो मतलब वो सब कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुश्किल था लेकिन मेरे अब तक वो दोस्त हैं वो लोग, क्योंकि हम सारे डिफरेंट डिफरेंट शहरों से थे और अकोमोडेशन मुंबई में जैसा कि सबको पता है, तो हम हॉस्टल में थे, एक कमरे में 8 लड़कियां थी हम, फिर हम ट्रांसपोर्ट हमें समझ नहीं आता था, फिर हम लोकल ट्रेन हमने स्टार्ट किया, और क्योंकि मुझे इस साइड ज्यादा आना था, अंधेरी साइड, जुहू साइड, क्योंकि इधर ही ऑडिशन होते हैं, तो उधर से मैं फिर समझा कि कौन सी ट्रेन पकड़नी है और इधर आके मैं ऑडिशन दिया करती थी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, मुश्किल रहा है। खाने खाने पीने का भी हॉस्टल में जैसे सबको पता है इतना कुछ खाना ठीक नहीं मिलता है, बट इट्स ओके, आई थिंक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत से दोस्त बने जो आज तक मेरे दोस्त हैं तो एक्टर बनने का सपना मतलब बचपन से आपका था? जी। बचपन से मुझे याद भी नहीं कब, लेकिन मैं बहुत छोटी थी और मुझे तब भी फिल्मों से प्यार हो गया था, और मुझे हमेशा ही क्लैरिटी, जैसे बच्चों को क्लैरिटी नहीं होता है एंड एंड इट्स ओके, सब सब डिफरेंट होते हैं, कुछ लोगों को डॉक्टर इंजीनियर बहुत कुछ स्किप 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 करके दे डू व्हाट दे वांट टू डू इवेंचुअली, बट मेरा हमेशा से यही था, एक ही प्लान था एंड दैट वाज ऑलवेज टू बिकम एन एक्टर। मतलब आप शिमला से यहाँ पर आए मुंबई में, तो आप में क्या चेंज हुआ, क्या बदला है, आपकी लाइफ में कौन कौन से बदलाव आए?
बहुत से बदलाव आए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं जब 2017 में जब हमने पल पल का शूटिंग स्टार्ट किया था, तो एवरीथिंग वाज वेरी न्यू टू मी. मैं कभी फिल्म सेट पे नहीं गई थी. तो बदलाव ये ही इसी वे में है कि मुझे इंडस्ट्री के बारे में, फिल्म मेकिंग के बारे में थोड़ी आज ऑब्वियसली बेहतर जानकारी है जितनी कंपैरेटिवली. पहली फिल्म में आई वॉज लाइक अ लॉस्ट पपी, आई वॉज लर्निंग ऑन द जॉब. लेकिन आई थिंक अभी भी बहुत कुछ सीखने को बाकी है. अभी मुझे सिर्फ कुछ ही साल हुए हैं इंडस्ट्री में, तो हर दिन एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस है. हर दिन मैं कुछ ना कुछ सीख रही हूँ. और द एम्पायर में आपने शबान आजमी के साथ काम किया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत इंटरेस्टिंग रहा. शबाना जी मैम को सिर्फ ऑब्जर्व करना ही, इट्स लाइक यू नो आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है. वो रिहर्सल्स में भी अपना 100% to 100% देती हैं, एंड बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला. उनकी उर्दू कमांड ओवर उर्दू इतना स्ट्रांग है और इतना अच्छा है, तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रहा. आपका जो दिल बेकरार में आपका जो था जर्नलिस्ट का, वो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत सीखने को मिला कैसे बैक इन द डे जर्नलिस्ट एंड न्यूज रीडर्स, कैसे उनका कमांड ओवर द लैंग्वेज था, कैसे उनका बॉडी लैंग्वेज था, वो सब काफी रिसर्च एंड स्टडी किया. एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग एरा था, तो उस एरा के बारे में भी सीखने को बहुत कुछ मिला. बहुत इंटरेस्टिंग था उस वक्त, टेक्नोलॉजी, फोन कुछ नहीं होता था, तो कैसे लोग फैमिलीज में डिनर टेबल पे बातें करते थे, तो काफी क्यूट स्वीट एंड डियरिंग सा सेटअप था. तो वो रोल और शहर का कुछ सिमिलैरिटी है? देवजानी ठाकुर को जानवरों से बहुत प्यार था, और दैट्स अ बिग सिमिलैरिटी. मुझे भी जानवरों से बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत प्यार है, तो दैट्स अ बिग आई थिंक बिग बिग सिमिलैरिटी. नो डाउट एज ए एक्टर हम सब रोल करना चाहते हैं, जो भी रोल मिले, बट कोई आपका ड्रीम रोल हो कि नहीं, इन फ्यूचर मुझे इस टाइप का रोल तो करना ही है? मुझे थ्रिलर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड आई डोंट नो अगर आपने गॉन गर्ल मूवी देखी है, दैट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फिल्म, सो समथिंग ऑन दोज लाइंस आई फील वो मैं जरूर करना चाहूंगी कभी ना कभी. और कोई ड्रीम एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहती हो? ये तो मैंने हर पहली इंटरव्यू से बोला है, वरुण धवन. आई रियली और लाइक हिम. आई थिंक आपके फैंस जो है, और खास करके लड़कियां, वो जानने के लिए बहुत एक्साइटेड होगी कि आप अपनी मतलब फिटनेस के लिए क्या करती है. मैं वर्कआउट करती हूँ 3 to 4 times इन अ वीक, स्पेशली व्हेन आई एम नॉट शूटिंग. और उसके साथ साथ जस्ट आई जस्ट ट्राई कि मैं एक्टिव रहूँ पूरे दिन में, और कुछ ना कुछ करती रहूँ. और उसके साथ साथ मैं डांस क्लासेस भी जाती हूँ, बिकॉज दैट्स समथिंग आई एंजॉय, एंड वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे होता है टू यू नो वर्कआउट ऑल्सो. उसके साथ साथ जस्ट ध्यान देती हूँ खाने पीने का, क्या खा रही हूँ, क्या हेल्दी खाने की कोशिश करती हूँ, घर का खाना खाने की कोशिश करती हूँ.